Hi, hello friends, welcome to Pulse Excel. So today in this session we are going to be discuss van 't Hoff equation. हम लोग स्टडी करने वाले हैं van 't Hoff equation. अब ये जो आपका van 't Hoff equation है बेसिकली डिवाइडेड इनटू मेनली टू पार्ट्स. योर फर्स्ट पार्ट विल बी van 't Hoff रिएक्शन आइसोथर्म एंड योर सेकेंड पार्ट विल बी van 't Hoff रिएक्शन आइसोको. ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम लोग स्टडी करेंगे वन बाय वन. बट बिफोर दैट हमें ये डेरिवेशन सॉल्व करने से पहले हमें लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम पता होना जरूरी होता है या फिर लॉ ऑफ मास एक्शन, ये चीजें हमें पता होना जरूरी है. बिकॉज van 't Hoff इक्वेशन इज नथिंग बट यूर चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी मीन्स डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आर टी लैन के पी. ये उसका बेसिक इक्वेशन है. ठीक है, बट ये इक्वेशन तक पहुंचने के लिए पहले हम लोग उसको स्टडी करते वन बाय वन बाय फॉलोड दी योर रिवर्सिबल रिएक्शन. सो जस्ट टेक अ लुक. पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं van 't Hoff रिएक्शन आइसोथर्म. ठीक है, सो टू अंडरस्टैंड द van 't Hoff रिएक्शन आइसोथर्म फर्स्ट वी कंसिडर अ रिवर्सिबल रिएक्शन. तो यहां पर मैंने एक रिवर्सिबल रिएक्शन लिखी है दैट ए प्लस बी विच गिवज मी अ प्रोडक्ट सी प्लस डी वेयर द स्मॉल लेटर्स ए बी सी एंड डी इंडिकेट्स द स्टोचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट विच बैलेंस द केमिकल रिएक्शन. ठीक है, अब हमें यह पता है दैट एवरी केमिकल रिएक्शन हैज सम फॉर्म ऑफ फ्री एनर्जी चेंज. मतलब हर एक केमिकल रिएक्शन में उसकी फ्री एनर्जी होती है, उसकी खुद की एनर्जी होती है, मीन्स उसका कुछ तो फ्री एनर्जी चेंज होता है. ठीक है, विच इज गिवन बाय van 't Hoff रिएक्शन आइसोथर्म. राइट, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, द फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट आर गिवन इन टर्म्स ऑफ देयर केमिकल पोटेंशियल्स एट द कॉन्स्टेंट प्रेशर टेम्परेचर एंड द कंपोजिशन. तो बिकॉज ऑफ दैट यहां पर हम लोगों ने उसका लिखा है फ्री एनर्जी चेंज दैट जी इज इक्वल टू फर्स्ट फॉर द रिएक्टेंट देन फ्री एनर्जी चेंज फॉर द प्रोडक्ट. बट हमें किससे लिखना है, इन टर्म्स ऑफ केमिकल पोटेंशियल. अब केमिकल पोटेंशियल के लिए यहाँ पर जो लेटर हम लोग यूज कर रहे हैं वो है आपका साइन म्यू. तो इस म्यू को हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं केमिकल पोटेंशियल. जी इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर फ्री एनर्जी चेंज. तो यहाँ पर आपका क्या है, रिएक्टेंट ए प्लस बी, तो उसको मैंने यहाँ पर केमिकल पोटेंशियल में लिखा. तो केमिकल पोटेंशियल में आपको क्या करना है, रिएक्टेंट को आपको सबस्क्रिप्ट में लिखना है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को आपको सबसे पहले लिखना है. तो यहाँ पर आप लिखोगे ऐसे ए केमिकल पोटेंशियल ऑफ ए, बी केमिकल पोटेंशियल ऑफ बी, सिमिलरली फॉर द प्रोडक्ट केमिकल पोटेंशियल ऑफ सी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, अगेन डी केमिकल पोटेंशियल ऑफ डी. सो आफ्टर राइटिंग दिस फ्री एनर्जी चेंज इन टर्म्स ऑफ केमिकल पोटेंशियल, ठीक है, हम लोग अभी क्या करेंगे नेक्स्ट, द चेंज इन फ्री एनर्जी इज गिवन बाय दैट डेल्टा जी इज इक्वल टू, अब मैंने दोनों समेशन को ऐड कर दिया बिकॉज आपका जो ये चेंज इन फ्री एनर्जी होता है इट इज अ व्हाट एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ यूर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट. बराबर, डेल्टा जी इज नथिंग बट व्हाट यूर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट. तो यहां पर लिखा मैंने प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट. सो दिस इज हाउ वी विल गेट यूर इक्वेशन वन. ठीक है, सो आफ्टर गेटिंग इक्वेशन वन, ठीक है, नेक्स्ट हमें यह पता है कि केमिकल पोटेंशियल ऑफ अ सब्सटेंस इज गिवन बाय द रिलेशन. कौन से रिलेशन से हमें केमिकल पोटेंशियल मिलता है किसी भी सब्सटेंस का, तो उसका मैथमेटिकल रिलेशन क्या होता है, दैट म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट प्लस आर टी लैन ए. अब यहां पर जो स्मॉल लेटर है विच इज इंडिकेट्स नॉट द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यहां पर जो ये स्मॉल लेटर में ए दिया है यह आपको यहां पर इंडिकेट कर रहा है एक्टिविटी. ठीक है, सो ये डेरिवेशन अंडरस्टैंड करने के लिए आपको जो मेरा अर्लियर वीडियो है ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूगैसिटी एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोएफिशिएंट वो आपको अच्छी तरीके से देखना होगा. ठीक है, तो आपको समझ में आएगा एक्टिविटी का यहाँ पर मतलब क्या है. ठीक है, तो यहाँ पर आपका केमिकल पोटेंशियल हमें ये इंडिकेट करा है, सो दिस इज योर स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल प्लस आर टी लैन ए. ठीक है, अब इस इक्वेशन को मुझे रिप्लेस करना है इन इक्वेशन वन, किसमें रिप्लेस करना है, इन इक्वेशन वन. तो ठीक है, सो दिस इज हाउ अवर इक्वेशन वन, दिस इक्वेशन वन बिकम्स. अब हम लोग वैल्यू डालते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को मैंने एस सच बाहर लिखा. ठीक है, क्योंकि केमिकल पोटेंशियल सिर्फ अप्लाई किसके लिए करना है, मुझे म्यू के लिए. अब ये मेरा है म्यू सी, तो यहाँ पर इक्वेशन में डाल दो तो मेरा क्या होगा, म्यू नॉट सी प्लस आर टी लैन एक्टिविटी ऑफ सी. आया समझ में, मैंने क्या लिखा, प्लस डी एस सच बाहर निकला, अगेन इक्वेशन को डाल दो म्यू नॉट डी प्लस आर टी लैन एक्टिविटी ऑफ डी. इन द सेम वे अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस रिएक्टेंट को भी
कन्वर्ट कर देंगे केमिकल पोटेंशियल के इस इक्वेशन में. सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस इक्वेशन, अब इसमें से हमारे जो सिमिलर टर्म है वो कौन से, आपका ये आपके क्या है सिमिलर टर्म, तो इसको हम लोग क्या करेंगे रीअरेंज करेंगे इनटू द वन साइड. सो देयरफॉर आफ्टर रीअरेंजिंग द अबव इक्वेशन हमें नेक्स्ट इक्वेशन यहां पर क्या मिलने वाला है, दैट डेल्टा जी इज इक्वल टू सी म्यू नॉट सी प्लस डी म्यू नॉट डी माइनस ए म्यू नॉट ए प्लस बी म्यू नॉट बी. अब बचा कौन सा आपका नेक्स्ट टर्म, आरटी लाइन ए सी आरटी लाइन ए डी आरटी लाइन ए ए आरटी लाइन ए बी, बराबर. तो इसको हम लोगों ने वन साइड लिया. अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आएगा, ये सिमिलरली इसी टर्म में आपके अवेलेबल होगा, बट अब ये आपका क्या है नेचुरल लॉगरिथम है, तो उसको अगर मैंने डिवाइड को डिवीजन में फॉर्म में डाला लॉगरिथमिक फॉर्म में डाला तो मुझे यहाँ पे इक्वेशन क्या मिलेगा, दैट आरटी लैन एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द एक्टिविटी ऑफ द रिएक्टेंट, ये मुझे यहाँ पे कन्वर्जन मिलेगा. ठीक है, तो ये दिस इज हाउ वी विल गेट अवर सेकेंड इक्वेशन. सिंपली क्या करो, पहले जैसे कि मैंने इसको अलग किया उसी तरह से सेकेंड टर्म को भी आपको क्या करना है अलग करना है. उसके बाद ये नेगेटिव होने की वजह से जब उसको आप लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो ये आपका डिविजन बन जाएगा, मतलब ये रेशियो बनेगा. ठीक है, सिंपली उसके बाद मुझे क्या करना है, रिप्लेसिंग दिस म्यू नॉट, मतलब ये जो स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं फ्री एनर्जी. सो केमिकल पोटेंशियल की बेसिकली डेफिनेशन क्या होती है, दैट केमिकल पोटेंशियल इज नथिंग बट दी पार्शियल मोल ऑफ फ्री एनर्जी, मीन्स फ्री एनर्जी चेंज, उसको ही हम लोग केमिकल पोटेंशियल भी बोलते हैं, बराबर. तो उसको अभी मैंने क्या किया स्टैंडर्ड गिव फ्री एनर्जी के साथ क्या किया कन्वर्ट किया. सो यूर इक्वेशन टू नाउ बिकम्स, हमें क्या मिलेगा ये मिलेगा. तो यहाँ पर सारे जो केमिकल पोटेंशियल थे उसको मैंने क्या रिप्लेस किया विथ स्टैंडर्ड गिव फ्री एनर्जी के साथ. सो दिस इज वॉट डेल्टा जी इज इक्वल टू, अब ये जो है मेरा प्रोडक्ट किसका है जी प्रोडक्ट माइनस जी रिएक्टेंट विच इज नथिंग बट वॉट यूर डेल्टा जी, जैसे मैंने आपको अर्लियर इक्वेशन में यहाँ पर बताया था दैट यूर डेल्टा जी नथिंग बट डी वॉट यूर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट. सो इन द सेम वे अब हम यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया उस इक्वेशन को लिख दिया, बराबर. सो देयरफॉर डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट, मतलब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट विच इज नथिंग बट डेल्टा जी नॉट प्लस आरटी लैन. ये अब मुझे पता है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या बोलता है, दैट लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम इज नथिंग बट दी रेशियो ऑफ दी प्रोडक्ट एंड दी रिएक्टेंट. तो ये मेरा क्या हुआ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं हमेशा के यूज करते हैं, बराबर. सो दिस इज वॉट यूर इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट. तो इक्वेशन आपका यहाँ पर क्या बनेगा, दैट डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लैन के, ये होगा आपका नेक्स्ट इक्वेशन. सो नाउ इक्वेशन थ्री बिकम्स टर्न्स इन टू इक्वेशन फोर. तो आपको यहाँ पे इक्वेशन फोर अब क्या मिल रहा है ये मिलेगा. अब मुझे ये पता है जब आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है उस वक्त डेल्टा जी इज इक्वल टू वॉट जीरो, तो अगर डेल्टा ई मेरा जीरो बनता है तो ये इक्वेशन मेरा क्या बनेगा इक्वेशन फोर बिकम्स डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी लैन के पी. तो अगर ये आपका प्रेशर मतलब गैसियस प्रेशर में आप अगर ये रिएक्शन गैस इक्वेशन को स्टडी करते हो तो यहाँ पर ये क्या होगा आपका के पी होगा. ठीक है, और इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं वेंट ऑफ रिएक्शन आइसोथर्म, जो मैंने पहले आपको बोला था. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू बी कम्प्लीटली डेरिवेटाइज यूर वेंट ऑफ रिएक्शन आइसोथर्म. अब आपका जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो आपका नेक्स्ट इक्वेशन है वेंट ऑफ रिएक्शन आइसोकोर. सो आफ्टर गेटिंग द बेसिक इक्वेशन ऑफ वेंट ऑफ रिएक्शन वो आपको क्या मिला, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी लैन के पी, अगर आपका रिएक्शन गैसियस कंडीशन में है तो, बराबर. तो अगर मैंने यहां से टेम्परेचर को लेफ्ट हैंड साइड में लिया तो मुझे इक्वेशन क्या मिलने वाला है, डेल्टा जी नॉट डिवाइडेड बाई टी माइनस आर टी नहीं होगा, अब यहाँ पर सिर्फ क्या होगा माइनस आर, बिकॉज टेम्परेचर को हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड लिया माइनस आर लैन के पी. तो अब इस इक्वेशन को मैंने क्या किया डिफ्रेंशिएट किया पार्शियल डेरिवेटिव निकाला उसका, तो मुझे क्या मिलेगा डेल्टा डेल्टा जी नॉट अपॉन टी सिमिलरली माइनस आर डी लैन के पी डी टी, ये हुआ मेरा इक्वेशन वन. अब हम सबको ये पता होना चाहिए टू डिराइव द वेंट ऑफ रिएक्शन आइसोकोर व्हाट शुड बी योर गिब्स एल्मोस इक्वेशन. सो फ्रॉम द गिब्स एल्मोस इक्वेशन वी विल गेट दिस इक्वेशन इज इक्वल टू व्हाट नेगेटिव डेल्टा एच नॉट अपॉन टी स्क्वेयर, बराबर. अब ये इक्वेशन गिब्स एल्मोस एंड अबव इक्वेशन विल बी सिमिलर वन. सो दिस इज हाउ योर इक्वेशन वन एंड टू इफ यू आर गोइंग टू बी कंपेयर टूगेदर व्हाट थिंग्स वी विल गेट, दैट वी विल गेट आफ्टर कंपेयरिंग द इक्वेशन वन एंड टू दैट डी लैन के पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट. अब आर यहां से क्या होगा आपका जो ये आर है इस साइड होगा
तो ये बनेगा आपका आर टी स्क्वायर और बोथ द नेगेटिव साइन गेट कैंसल, तो ये आपका क्या होने वाला है यहाँ पर पॉजिटिव। सो ये जो आपका इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं वेंट ऑफ इक्वेशन फॉर आइसोकोर। ठीक है, सो आफ्टर गेटिंग दिस वेंट ऑफ इक्वेशन, अब इक्वेशन थ्री को अगर मैंने इंटीग्रेट किया, ठीक है, सो आफ्टर इंटीग्रेशन इसको मैंने अगर लिमिट प्रोवाइड किया, मतलब लिमिट्स में हम लोगों ने इसको इंटीग्रेट किया, तो इक्वेशन थ्री क्या होगा आपका, प्रेशर वन टू प्रेशर टू एंड योर टेम्परेचर विल बी फ्रॉम टेम्परेचर टी वन टू टी टू, डेल्टा एच नॉट आर बाहर निकलेगा, बचा क्या यहाँ पर सिर्फ डी टी अपॉन टी स्क्वेयर। अब डी टी यहां से यहाँ पर आया आपका, तो यहाँ पर क्या होगा सिर्फ डी लैंड केपी, बराबर समझ में आया। तो आफ्टर इंटीग्रेटिंग इसका मैंने इंटीग्रेशन निकाला, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, लैंड केपी टू अपॉन केपी वन इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट अपॉन आर, ये क्या होगा इसका वन अपॉन टी वन प्लस वन अपॉन टी टू। अब लैन का मतलब यहाँ पर क्या है आपका नेचुरल लॉगरिदम, और उसका वैल्यू कितना होता है दैट 2.303 लॉग टू द बेस 10, मतलब आपका क्या हुआ लैन वो मैंने लिख दिया और इसको मैंने सिर्फ क्रॉस किया, तो क्या मिलेगा यहाँ पर टी टू माइनस टी वन डिवाइडेड बाय टी वन टी टू। सो दिस इज वॉट यूर लास्ट इक्वेशन फॉर द वेंट ऑफ रिएक्शन, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू बी सॉल्व द वेंट ऑफ इक्वेशन इन टू मेथड, वन विल बी योर वेंट ऑफ रिएक्शन आइसोथर्म एंड सेकेंड वन विल बी योर वेंट ऑफ रिएक्शन आइसोकोर। आई होप सो यू शुड अंडरस्टैंड प्रॉपरली बोथ द वेंट ऑफ इक्वेशन आइसोथर्म एज वेल एज द आइसोकोर, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस बोथ द डेरिवेशन सो यू शुड आस्क मी, डेफिनेटली आई जस्ट सपोज टू प्रोवाइड यू द बेटर सोल्यूशन। सो थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, and if you like this video don't forget to subscribe us, thanks a lot.